ना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। गाने की कहानी ये थी कि जैसे आप जानते हैं हमारा टाइटल पल पल दिल के पास है, और पापा की फिल्म थी पल ब्लैक मिल, जिससे जिसका वो गाना था, और वो गाना मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। सबका वो सबसे मेरा ख्याल है लव एंथम होगा वो गाना। और मैं चाह रहा था कि उस गाने को मैं ना इस्तेमाल करूं, बिकॉज उसकी अपनी एक खूबसूरती है, हम लेंगे तो कुछ बात अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए हम लोगों ने नया गाने के पीछे लगे रहे, और मेरी पूरी टीम थी, ऋषि रिच, सचेत परंपरा, सिद्धार्थ गरिमा, हम लोग मनाली में ही थे सब, पूरा हम लोगों ने वहीं बैठ के सब कुछ किया। तो करते 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 फिर धुन निकली, धुन के बाद फिर वर्ड्स निकले। मैंने वर्ड्स बहुत सिंपल होने चाहिए ताकि एक कहानी की तरह निकलने चाहिए, तो उस तरह से इसकी शुरुआत हुई। और फिर शूटिंग की हमने और आपने गाना देख लिया, और जैसे आप कह रहे हैं अभी लोगों को पसंद आ रहा है। बस हमारा गोल वही था कि जिस तरह से पल पल दिल के रहना तू पल पल दिल के पास जो गाना था, उसी तरह से ये गाना भी लोगों तक उसी तरह से उनके मुंह पर चढ़ जाए। देखिए इसमें बस मैं चाह रहा था कि किस तरह से मैं पापा को फिल्म में जोड़ूं, तो मैंने टाइटल इसलिए वो रखा पल पल दिल के पास, ताकि पापा भी अपने पोते के साथ जुड़ जाएंगे, पूरी पिक्चर के अंदर जुड़ जाएंगे। और जैसे आपने देखा ही, हमने जितनी भी फिल्में बनाई हैं विजेता फिल्म्स पर, कभी घर का कोई आदमी साथ में नहीं काम करता, तो इंडिविजुअल बच्चों को जब हम लॉन्च कर ही रहे हैं, जैसे दो बच्चे हैं, तो उसके बीच में मैं नहीं चाह रहा था कोई भी आए। जो भी पिक्चर मैंने बनाई, डिड इट रीच आउट टू द सेक्टर ऑफ पीपल हु वर हुम इट वाज मेड, एंड डिड दे एंजॉय इट, एंड दैट फीडबैक यू गेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, जो अभी बिकॉज ऑफ डिजिटल तुरंत पता चल जाता है, और फॉर्मेट्स इतने हैं आजकल कि कहीं ना तो कहीं आपकी पिक्चर चल रही होती है। तो आई ऑलवेज फील दैट मेक अ फिल्म, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द सेल्यूलॉइड, आइदर ऑन द सेल्यूलॉइड और ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्लोटिंग अराउंड। मैंने सोचा कि मेरा बेटा लॉन्च होना चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू एक्ट, तो वहाँ से शुरुआत होती है एज अ फादर। और फिर ढेर सारे डायरेक्टरों से बात की, फिर कहीं कुछ बात बनी नहीं सही ढंग से, फिर मैंने तय किया कि मैं डायरेक्ट करूँगा। तो जहाँ से फिर डायरेक्शन जब मैंने तय कर लिया, तो उसके बाद फिर होता है कहानी क्या होगी, तो कहानी के ऊपर बातचीत हुई। तो जब वो सब चीज़ें सब तय हो गई, उसके बाद फिर डायरेक्टर ही है जो आगे आ जाता है, फिर फादर कहीं सामने नहीं आता, बिकॉज जब फादर आ जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। नहीं, डांट लगाने का मैं डायरेक्टर वैसा नहीं हूँ। डायरेक्टर को मैं चाहता हूँ कि एम्बियंस अच्छा हो, नहीं तो मैं उनसे काम कैसे अच्छा निकालूंगा, क्योंकि मैं खुद इस दौर से जा चुका हूँ, मुझे मालूम है कि आदमी कितना नर्वस होता है, और जितना शोर मचता उतना एक्टर से परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो मैंने पहली भी जो फिल्में की थी इसी तरह से की थी, मैं एम्बियंस में चाहता हूँ जितना भी हमारे सेट पे हूँ सब प्यार से रहें, काम हो, ताकि मैं उनसे काम निकाल सकूँ। हाँ, फिर वो बात दूसरी है कि मैं इनके पीछे ही पड़ जाता था जब तक मेरे को एज ए डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं होता था, बिकॉज मुझे मालूम है कि एक्टर के अंदर अभी और भी है जो मैं निकाल सकता हूँ, तो उस खोज में मैं लगा रहता था, क्योंकि ये नए बच्चे हैं, इनको इतना पता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये पहली फिल्म है, तो आई एम श्योर जैसे मैं सीखा उसी तरह से ये भी आगे बढ़कर दोनों सीखेंगे। See, before I had to go do those stunts, I actually trained in Manali for 4-5 months and understood that area, understood the people, because the people are different. I'm a guy from Mumbai city and I was playing a character from Himachal. So I needed to understand that area. That area, people are so happy and laid back in their own world, and they just love their lives over there. They're very easygoing, and obviously when I had to do rappelling and all, it should look like it's not the first time I'm doing it. It should be like second nature to me by then. So within those four or five months of training, by the time I got down to actually do it, obviously I was scared. If you're hanging from 300, 400 feet and looking down, any normal human being would be scared. I was like, yaar, main actor banna chahta tha, stuntman bhi ban gaya, theek hai. And after that, there was a nice sense of accomplishment, and because the locations we shot were really physically taxing, because they were at high altitude, so it did take it out of you physically, mentally, emotionally. But when you look at the whole two-year process that it took, I am proud of the work I've put in, and it's made me a better person and made me a better actor by the end of it. Dekhe, acting ka mera decision tha. My dad has not ever put me in any position that he didn't want me to be in. He's like, whatever choice is yours in life, I will support it 100% kar paunga. Aur jab hi main ye picture kar raha tha, main yehi chahta tha ki main wo character ko theek se define karke wo camera mein nikalna chahiye. So I gave it my all and 100% to this character and this movie. I didn't think of the other stuff and the baggage. When you think of that personal baggage and everything, no, you cannot do your work.
obviously any son will want to make their mother and father proud, because they've given me so much in life here, and it's my turn to give them back, and hopefully this is my first step in giving them back. I doubt I'll ever be able to repay them, but let me try. I think after a couple of movies, once you see this movie on a whole, then you'll realize that I have my own individual traits when you see the whole project. So I think it's only when you do a couple of movies and people realize you for your own, that's only when you'll eventually be able to step out of that shadow. It was amazing, and now when I look back, I think I have a lot of fond memories. And I'm really, it's been an emotional journey, and before that I didn't have any acting experience, so to speak. So whatever I've learned is because of this film and Sunny sir. And this film has taught me a lot, like Karan also mentioned. Patience is something that I learned. And I've made a lot of friends in the process, and we're all like a small family now. I think now I've become after the film, both Rocky and I. But it was great fun, you know. But at the same time, I have to say that the locations were so tough that when we were doing it, it wasn't fun at all. We shot in sub-zero conditions, and it was pretty taxing, not just for us, but the entire unit. But now when we look back, I think it was worth it.